आपके खाने में जायके की मिठास घुलने वाला गुड़ कहीं आपकी सेहत से तो खिलवाड़ नहीं कर रहा। हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप हमेशा के लिए गुड़ और उससे बनी चीजों से तौबा कर लेंगे। आप ही देखिए कि कैसे मुनाफाखोर चंद पैसों की चाह में गुड़ में जहरीले केमिकल मिला रहे हैं। देखिए नरसिंहपुर से यह खास रिपोर्ट। प्रदेश में 75% गन्ना उत्पादन करने वाला जिला और प्रदेश की सबसे बड़ी गुड़ मंडी का खिताब रखने वाले नरसिंहपुर जिले में घुमिदर किसानों और यूपी से आए कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा गुड़ किसी जहर से कम नहीं है। जिले में संचालित गुड़ भट्टियों में से कुछ भट्टी संचालक मुनाफाखोरी के लिए मिलावटी गुड़ तैयार कर देश के कोने कोने में भेज रहे हैं और मिलावट भी ऐसी की जिसे देख आप ही दंग रह जाएंगे। कहीं कीटनाशक यूरिया तो कहीं चूना तो कहीं अरंडी तो कहीं गुड़ को सुनहरी रंगत देने के लिए सिंदूर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल गन्ने की फसल आते ही उत्तर प्रदेश से आए कारीगर भट्टी मालिकों ये साझेदारी में या फिर भट्टी को किराए पर लेकर गुड़ बनाकर देश के कोने कोने में बिचौलियों के माध्यम से गुड़ को भेजते हैं और 3-4 माह के इस व्यापारिक सीजन में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की चाह में वह मिलावट से भी गुरेज नहीं करते, जबकि डॉक्टर भी मानते हैं कि मिलावटी गुड़ खाने से बड़ा नुकसान होता है। एडिबल चीज है लेकिन लेसर कंटेंट में, अगर कोई व्यक्ति इसको अधिक मात्रा में डालता है तो इससे शरीर पे बहुत ही ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट पड़ सकते हैं। इससे आहार नली में सूजन, आहार नली में कैंसर, आहार नली में अल्सर, पेट की बहुत सारी समस्याएँ इससे आ सकती हैं। देखिए अब ज़्यादातर जहाँ तक हमारे पास जो जानकारी आई है, वीकली रिपोर्ट आती है, ज़्यादातर गुड़ की जो फैक्ट्री हैं ये बंद हो चुके हैं। कारण कि शुगर फैक्ट्री में जो हायर रेट दे रहे हैं 300 दे रहे हैं, इतना ही लोग दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक गुणवत्ता का सवाल है गुड़ में अगर मिलाने की बात है, तो इसके संबंध में भी हम अपने जो गन्ना इंस्पेक्टर है उनसे हम जाँच करवाए थे, तो अभी इस तरह कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं आई है कि इसमें ज़्यादा इसमें है। लेकिन अगर इस तरह की पुनः जाँच करवाएंगे। कितना गंभीर मानते हैं सर? नहीं, मामला बहुत गंभीर है, ये हमारे स्वास्थ्य के साथ जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अगर इस तरह की शिकायत सही है तो और इसकी हम जांच करवाएंगे और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नरसिंहपुर से संजीव पटेल की रिपोर्ट।